तकदीर का इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। हमें तकदीर में ये लिखा होता है कि ये आदमी को ये चीज़ मिलनी नहीं थी, लेकिन ये इतनी दुआएं मांगेगा कि इस दुआओं की वजह से मिल जाएगी। दुआ जो तकदीर को बदलती है ना, उसका ये मतलब, दो किस्में हैं तकदीर की, एक मुअल्लक और एक मुबरम। मुअल्लक तकदीर में लिखा होता है, जिसको छोटी तकदीर कह सकते हैं, उसमें लिखा होता है इसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह के इल्म में ये बात होती है कि ये इतनी दुआएं मांगेगा कि असल में तो मिलनी नहीं थी, लेकिन मैं इसकी दुआओं की वजह से दे दूंगा। तो वो भी अल्लाह के इल्म में होता है कि ये मांगेगा।